गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राजस्थली लॉ इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर मैं एडवोकेट पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए ऐसी राइटिंग की सीरीज में हम सरोगेसी पार्ट फर्स्ट डिस्कशन करने जा रहे हैं, लेकिन ऐसे के लिए आपके पास एक अच्छे कंटेंट, अच्छा प्रेजेंटेशन और वॉकअप को कॉल करने की एक शानदार कैपेसिटी होनी चाहिए। ऐसे लिखने के लिए आपके जो कंटेंट है बहुत मजबूत होने चाहिए। सबसे पहला काम, आप उस कंटेंट को कितनी स्पीडली कॉल कर पाते हैं, ये दूसरा काम, और उस ऐसे में आप वॉकैब और ग्रामर को कितनी शानदार प्रेजेंटेशन कर पाते हैं, वो तीसरा काम। एक अच्छे ऐसे राइटिंग के लिए आपके कंटेंट, आपकी वॉकैब और ग्रामर पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। यदि आपको इसका रोटेशन बहुत स्पीडली आता है तो आप बहुत अच्छा ऐसे राइटिंग कर सकते हैं कि आप उसमें कितना ज़्यादा वॉकैब और ग्रामर को किस प्रकार प्रेजेंट करते हैं, किस प्रकार आप उसमें जो एक अभिव्यक्ति को बहुत सशक्त बनाते हैं, आइदर वो हिंदी या इंग्लिश दोनों का ऐसे हो, मगर इंग्लिश का ऐसे लिखने के लिए आपकी वॉकैब रोटेशन कितनी शानदार है, आपकी ग्रामर जो रोटेशन है वो कितनी शानदार है, इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है। आइए हम इस चैनल पर डिस्कस करते हैं सरोगेसी पार्ट फर्स्ट, जो एक भारतीय समाज का एक ऐसा अनकहा दर्द है जिसको कोई भी औरत डिफाइन नहीं कर सकती है कि वो किस दौर से गुजरती है। सैरोगेसी उस पार्ट में एक वरदान बनकर आया, यानी ईश्वर का वरदान कह सकते हैं। ईश्वर जन्म देने की एक दिव्य शक्ति एक माँ को प्रदान करता है, एक औरत को प्रदान करता है, लेकिन कभी कभी कुछ कारणों के कारण वो शक्ति वो वरदान से कई औरतें वंचित रह जाती है, जिसको भारतीय समाज में एक कलंक, एक अभिशाप, एक दाग माना जाता है। और एक माँ जो रहती सिर्फ अपना अनकहा दर्द समझ सकती है, उस दर्द को समझने के लिए और कोई उसके पास ना मौजूद होता है, ना उसकी भावनाओं को समझा जाता है, बस उसे समाज में एक बांझ औरत का ताना देकर, बांझ औरत का ब्रांड देकर उसे समाज में बहुत ही लज्जित और बहुत ही हे दृष्टि से देखा जाता है, और इसलिए वो समाज में एक बोझ, एक दाग, एक अभिशाप, एक स्कर्ज बनकर रह जाती है। और इस दोष में वो कोई भी प्रकार से जिसे कहते हैं उसकी खता नहीं होती, वो कहते हैं ना कि जिंदगी बन गई एक सजा लेकिन खता का पता नहीं, वो वाली कहानी है। यहाँ पर खता उसकी होती नहीं है, दोष उसका होता नहीं है, गुनाह उसका होता नहीं है, फिर किस चीज की सजा को वो फेस करती है, ये समझ से बाहर है फॉर एक लिटरेट, एक मॉडर्न, एक आधुनिक समाज के लिए। हाँ, रूढ़िवादी समाज में ये सब होता था तो वो उनकी अशिक्षा की देन थी, मगर आज एक पढ़ा लिखा समाज है फिर भी एक बांझ औरत को या इशूलेस कपल को उसी दृष्टि से देखा जाता है जो कई सालों पहले देखा जाता था, प्राचीन युग में देखा जाता था। मगर सैरोगेसी एक ऐसा वरदान लेकर आई है जो बांझ औरत के आंचल में खुशियों की सौगात देती है, एक इशूलेस कपल के लिए एक वरदान है, एक बूंद से कम नहीं है। यही आज का एक बर्निंग इशू है, जिसका लीगल ग्राउंड, जिसका सामाजिक आस्पेक्ट, जिसका एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण, एक दुख दर्द को रिमूव करने वाला ब्रह्मास्त्र है आज का हमारा टॉपिक सैरोगेसी। इसका पार्ट वन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एक अच्छे ऐसे लेखन के लिए अपनी वॉकैब और ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करें, लेकिन सबसे पहले आपको अपना कंटेंट स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यदि आपके पास कंटेंट ही नहीं है लिखने के लिए तो आप सिर्फ कॉपी में वर्बेटिज्म करते हैं, प्रोलिक्स करते हैं, शब्द बाहुल्यता करते हैं, और शब्द बाहुल्यता वर्बेटिज्म के नंबर नहीं मिलते। आपकी लेखनी कितनी अट्रैक्टिव है वो सिर्फ आपके कंटेंट पे डिपेंड करती है, आइदर वो हिंदी की हो चाहे इंग्लिश की हो, वो कोई नहीं, लैंग्वेज इज लैंग्वेज। आपका प्रेजेंटेशन कितना शानदार होता है, दैट इज डिपेंड ऑन योर कंटेंट, दैट इज डिपेंड ऑन योर कंटेंट। तो आइए सरोगेसी पार्ट डिस्कस करते हैं। पार्ट फर्स्ट हमें क्या कहता है, देखिए आप, मदर, पहले मदर को डिफाइन करेंगे, मदर की ममता को डिफाइन करेंगे, मदर के लिए एक बच्चा कितना जो अहम पोजिशन रखता है पूरी लाइफ में, कान्हा का जो पोजीशन था माँ यशोदा के जीवन में कितना इंपॉर्टेंट था, वही डिस्कशन हमारा यहाँ पर आ रहा है कि मदर क्या है, मदरहुड क्या है, एक मदर के लिए जो है एक बच्चा कितना अहम जीवन रखता है, वो सारी कहानी है, वो सारी कहानी यहाँ पर डिपेंड करती है। तो आइए सरोगेसी पार्ट फर्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए, मदर इज ए टर्स एंड फैदमलेस वर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मदर इज ए टर्स एंड फैदमलेस वर्ल्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, माँ दुनिया का सबसे छोटा, सबसे संक्षिप्त और असीम वर्ड है। टर्स का मतलब है बहुत ही संक्षिप्त, टर्स का मतलब है बहुत ही छोटा, इससे छोटा दुनिया का कोई वर्ड नहीं है। माँ बहुत छोटा वर्ड है, मगर ये फैदमलेस है, ये असीम है, इसकी गहराई मापना ही इम्पॉसिबल है।
तो दो वॉकैब जुड़ रही है कि माँ दुनिया का सबसे संक्षिप्त और असीम, असीम का मतलब जिसकी सीमा ना हो, सबसे टर्स और असीम वर्ड है इस दुनिया का। मदरहुड इज एन इनक्रेडिबल इनक्रेडिबल एंड इनडोमिटेबल मून ऑफ द वर्ल्ड मेकर। इनक्रेडिबल अविश्वसनीय है, इनक्रेडिबल अतुलनीय है, जिस पर आप विश्वास ना कर सके ऐसा वर्ड इनक्रेडिबल कहलाएगा। इनडोमिटेबल अद्वितीय है, जिसकी कोई बराबरी ना हो, जिसकी कोई सानी ना हो, जिसका कंपैरिजन ना किया जाए। मदरहुड ममता एक ऐसा शब्द है। ये दो शब्द यूज करके हमने मदर और मदरहुड को, माँ और ममता को गरिमा प्रदान की है। हमने हमारा ऐसे स्टार्ट किया है यहाँ से, माँ और ममता को गरिमा प्रदान करते हुए हम ऐसे को लेकर जा रहे हैं कि माँ और ममता यदि किसी औरत को ना मिल पाए, उससे वो वंचित कर दी जाए, उससे वो डिप्राइव कर दी जाए, तो क्या होगा? तो उस सरोगेसी उस औरत के लिए एक वरदान से कम साबित नहीं होगी, एक भगवान का आशीर्वाद होगा। आइए, मदरहुड इज एन इनक्रेडिबल एंड इंडोमिटेबल मून ऑफ द वर्ल्ड। ममता इस दुनिया का या विधाता का, वर्ल्ड मेकर कहेंगे विधाता को, विधाता का एक अतुलनीय और अविश्वसनीय वरदान है। मदरहुड, हर क्रिएचर को इस चीज से नवाजा गया, हर प्राणी को, नॉट यू कैन से ह्यूमन बीइंग, बट वी कैन से दैट एवरी क्रिएचर। मदरहुड ऊपर वाले की देन है और ये इनक्रेडिबल और इनडोमिटेबल मून है, एक अविश्वसनीय और अद्वितीय वरदान है विधाता का। टू गिव बर्थ इज इनबॉर्न, टू गिव बर्थ इज इनबॉर्न एंड इंट्रिंसिक राइट ऑफ एनी क्रिएचर। जन्म देना, किसी को भी जन्म देना, यानी बर्थ जन्म देना, एक जन्मजात और स्वाभाविक अधिकार है किसी भी प्राणी का। एनी क्रिएचर, नॉट ह्यूमन बीइंग, किसी भी प्राणी का कैसा अधिकार है? इनबॉर्न और इंट्रिंसिक राइट है, एक जन्मजात और स्वाभाविक अधिकार है। एक जन्मजात अधिकार भी है और स्वाभाविक अधिकार है किसका? एनी क्रिएचर, किसी भी प्राणी का, एवरी क्रिएचर, किसी भी प्राणी का। क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, गॉड गिफ्टेड वरदान है, हर प्राणी को अवेलेबल है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। टू गिव बर्थ इज इनबॉर्न एंड इंट्रिंसिक राइट ऑफ एनी क्रिएचर। एवरी अलाइव क्रिएचर, प्रत्येक जीवित प्राणी वांट्स, चाहता है ट्रांसफर इज जेनेटिक जीन्स, अपने जैविक जीन्स को ट्रांसफर करना, अपने जैविक जीव को स्थानांतरित करना फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये तो इंसान का अधिकार है, यही इंसान की डिजायर है, यही इंसान की दिल की ख्वाहिश है कि जन्म देने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, कि वो अपने जेनेटिक जीन्स को जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करे। और बर्थ करने का मोटिव और मोटो क्या है? यही है कि वो अपने जेनेटिक जीन्स को जनरेशन टू जनरेशन, पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करे, उनको स्थानांतरित करे। फिर टू एंजेंडर ऑफ स्प्रिंग, औलाद पैदा करना, एंजेंडर यानी पैदा करना, ऑफ स्प्रिंग आप औलाद, औलाद को पैदा करना इज ए ह्यूमन रिलीजन डीड, एक मानवीय धर्म भी है, मानवीय कर्म भी है। देखिए, आप लाइन की गरिमा को पकड़िए, कंटेंट की गरिमा को पकड़िए, क्या कह रहा है कंटेंट? टू एंजेंडर ऑफ स्प्रिंग इज ए ह्यूमन रिलीजन डीड, औलाद पैदा करना एक मानवीय अधिकार भी है और मानवीय धर्म भी है। लाइफ ऑफ ए वैनन वुमन, एक बांझ औरत का जीवन, कंटेंट को पकड़ने की कोशिश करना। मैंने फिर आपसे कहता हूं, यदि आपका कंटेंट शानदार है तो आपको अपने ऐसे में द हाइएस्ट मार्क्स लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो देखिए आप, टू एंजेंडर ऑफ स्प्रिंग इज ए ह्यूमन रिलीजन इंडीड, एक औलाद और संतान को पैदा करना मानवीय अधिकार, मानवीय कर्म और धर्म है। और लाइफ ऑफ ए बैरन वुमेन, एक बांझ औरत का जीवन, एक बांझ औरत की लाइफ, स्टिग्म एक कलंक है, स्कर्ज एक अभिशाप है, स्कार एक दाग है इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। स्टिग्म कलंक, स्कर्ज अभिशाप, स्कार दाग इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में। No one can make out,
अनवॉइस ग्रीफ एंड ग्रीवेंस ऑफ दैट वुमेन, और कोई भी उस औरत के अनकहे, अनवॉइस का मतलब जो कहा ना जा सके, अनवॉइस दे ग्रीफ एंड ग्रीवेंस दुख दर्द, उसके दुख दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। नो वन कैन मेक आउट अनवॉइस ग्रीफ एंड ग्रीवेंस ऑफ दैट वुमेन, उस औरत के दुख दर्द को कोई भी नहीं समझ सकता है। ग्रीफ एंड ग्रीवेंस आपका एक पेयर वर्ड है, ग्रीफ एंड ग्रीवेंस का मतलब होता है दुख दर्द, अनवॉइस्ड यानी अनकहा, और मेक आउट का मतलब समझना। आपका वाक्यप को पकड़ना, कंटेंट को पकड़ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, टर्स का मतलब है संक्षेप, बहुत छोटा, फैदमलेस असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, फैदमलेस है, इनक्रेडिबल अविश्वसनीय यानी अतुलनीय, जिस पर भरोसा ना किया जा सके वो इनक्रेडिबल, इनडोमिटेबल अद्वितीय यानी जिसकी कोई बराबरी ना हो वो इनडोमिटेबल, बून आपका वरदान, वर्ल्ड मेकर कहते हैं विधाता को, भगवान को गॉड कहते हैं तो विधाता को वर्ल्ड मेकर कहते हैं, टू गिव बर्थ, देखिए इसकी कहानी सुनिए, जब किसी टेंस में, जब किसी सेंटेंस में कोई टेंस ना हो और उसकी स्टार्टिंग में कोई एक्टिव नहीं है, कोई पैसिव नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है और नाका सेंस आ रहा हो, तो वहां पर आपका 2+V1 से वाक्य शुरू होगा। टू गिव बर्थ इज इनबॉर्न, इनबॉर्न का मतलब जन्मजात, इंट्रिंसिक का मतलब स्वाभाविक, एक जन्मजात और स्वाभाविक अधिकार है किसी भी प्राणी का। एवरी अलाइव क्रिएचर वांट टू ट्रांसफर इज जेनेटिक जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। इसमें मैं आपको ग्रामर का एक पॉइंट भी बता देता हूं, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन कहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। यहां पर आपका ऐसे समानांतर बनावट वाले स्ट्रक्चर में कभी भी कोई आर्टिकल का यूज नहीं होगा, जैसे फ्रॉम डोर टू डोर, फ्रॉम टाउन टू टाउन, फ्रॉम विलेज टू विलेज, फ्रॉम डॉन टू डस्क, फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव, यहां पर किसी भी वर्ड से पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ये ग्रामर का एक छोटा सा मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सामने। फिर क्या हुआ, टू एंजेंडर, एंजेंडर मतलब पैदा करना, ऑफ स्प्रिंग संतान या औलाद, इसका भी ग्रामेटिकल पॉइंट सुन लीजिए, ऑफ स्प्रिंग के में कभी भी एस नहीं आएगा, कभी भी एस नहीं आएगा, और इसके बाद जो भी वर्ब आएगी वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही आएगी, ऑफ स्प्रिंग में कभी भी एस नहीं आएगा। इज ए ह्यूमन रिलीजन एंड डीड, वो मानवीय कर्म और धर्म है, कर्म भी है उसका और धर्म भी है, वो इस चीज से डिनाई नहीं कर सकता कि मुझे ऐसा नहीं करना है, क्योंकि उसका धर्म और कर्म दोनों है क्या, टू एंजेंडर ऑफ स्प्रिंग, एक औलाद को पैदा करना। ऑफ स्प्रिंग की ग्रामेटिकल पावर क्या है, इसमें कभी भी एस नहीं आएगा, और टू के बाद वी वन कब आती है, जब वो ना टेंस से कनेक्टेड है, ना पैसिव से कनेक्टेड है, ना उसमें करता है, ना ऑब्जेक्ट है, फिर भी ना का सेंस लेकर आता है, तो 2+V1 को ग्रामर की लैंग्वेज में जो है हमारा क्या कहा जाता है, इन्फिनिटिव। लाइफ ऑफ ए बैरन, बैरन का मतलब बांझ, ए वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग इज ए बैरन, ये जमीन के लिए भी होता है, जब जमीन बंजर होती है तो बैरन कहलाएगा, औरत यदि ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रही है तो बैरन वुमेन कहलाएगी। इज स्टिग्म स्कर्ज एंड स्कार इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में एक स्टिग्म है यानी कलंक, स्कर्ज यानी अभिशाप, स्कार यानी दाग, स्टिग्म स्कर्ज एंड स्कार इन द इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज में एक स्टिग्म है, स्कर्ज है और दाग है। नो वन कैन मेक आउट, मेक आउट एक फ्रेजल वर्ब है, कोई भी नहीं समझ सकता, मेक आउट समझना, कोई नहीं समझ सकता, क्या नहीं समझ सकता, अनवॉइस ग्रीफ एंड ग्रीवेंस ऑफ दैट वुमेन, उस औरत का अनकहा, वो बार बार ये थोड़ी बोलेगी मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूं, मैं एक बैरन हूं, आई एम अनेबल टू प्रोड्यूस एनी टाइप ऑफ स्प्रिंग, ये नहीं कह सकती है वो है उसका अनवॉइस ग्रीफ एंड ग्रीवेंस, उसका दुख दर्द है, ग्रीफ एंड ग्रीवेंस आपका एक पर्टिकुलर वर्ड है, दुख दर्द ऑफ दैट वुमेन, उस औरत का। तो आइए सरोगेसी के छोटे से पार्ट को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, पकड़ने की और समझने की कोशिश करिए और इस चीज को महसूस करिए कि आपका कंटेंट क्या रोल निभाता है। यदि आपके पास प्रॉपर कंटेंट ही नहीं है तो आपका ऐसे लिखना दूर की बात है, फार क्राई है,
आप दो लाइनें भी नहीं लिख सकते और एग्जाम में आप क्यों पिछड़ जाते हैं, इसका सीधा सीधा एनालाइज करिए खुद के आधार पर। तो देखिए क्या कह रहा है ये, मदर इज द टर्स एंड फैदमलेस वर्ड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, मदरहुड इज एन इनक्रेडिबल एंड इंडोमिटेबल बून ऑफ द वर्ल्ड मेकर, टू गिव बर्थ इज इन बोर एन इंट्रिंसिक राइट ऑफ एनी क्रिएचर, एवरी अलाइव क्रिएचर वांट टू ट्रांसफर इज जेनेटिक जीन्स फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, टू एंजेंडर ऑफ स्प्रिंग इज ए ह्यूमन रिलीजन एंड डीड, लाइफ ऑफ ए वैरन वुमेन इज ए स्टिग्म स्कर्ज एंड स्कार इन द इंडियन सोसाइटी, नो वन कैन मेक आउट अनवॉइस ग्रीफ एंड ग्रीवेंस ऑफ दैट वुमेन। तो फ्रेंड्स ये था सरोगेसी का पार्ट फर्स्ट। आपको ये प्रेजेंटेशन, आपको ये कंटेंट, आपको ये जम्बलिंग ग्रामर वोकैब यदि अच्छी लगी हो, एग्जाम की तरफ जा रही हो, तो आप हमें कमेंट जरूर करके बताएं ताकि हम आपके इंस्पिरेशन को लेकर, आपकी भावनाओं को समझते हुए, आपकी इंस्पिरेशन लेकर, आपका मोटिवेशन लेकर आपके लिए बहुत अच्छा और प्रेजेंटेशन लेकर आएं। तो आप अपनी भावनाओं से हमें अवगत जरूर कराएं कमेंट बॉक्स के जरिए, कमेंट के थ्रू जरिए, ताकि हम अपने आप को आपके लिए और अच्छा पॉलिश अप कर पाएं और ज्ञान को अच्छी तरीके से आसमान में सप्तरंगी इंद्रधनुष के समान बिखेरें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर वीडियो।